बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हारिस अलमुकित हज उमरा टूर से। आज हम हैं हरम में और गेट नंबर 79। यहां से इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि इब्राहिम खलील रोड की इंफॉर्मेशन रहेगी इंशाल्लाह। एक ये वीडियो इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है और इंशाल्लाह पूरी वीडियो में हम तुमको तफसील से बताएंगे कि कौन से लाइन पे कितने करीब में कौन से होटल है। ये होटल है दारुल तौहीद, जो कि हरम की पहली होटल इसे कहा जाता है। फिर इसी तरह से यहाँ भी होटलें हैं और एक लॉक टावर देख रहे हैं आप सामने, ये फेमस होटलें हैं। दोस्तों, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सी फेमस होटलें हैं। और इसी तरह से सामने ये 6 नंबर WC आता है और इस साइड में जो बैक साइड में इसके देख रहे हैं दारुल तौहीद की बैक साइड में जो देख रहे हैं, ये जो एक जैसी जो बिल्डिंग है इसे जबले उमर कहा जाता है, जबले उमर। और दोस्तों, यही नीचे ये जो रास्ता जाता है 7 नंबर WC, और 7 नंबर WC है सामने देखेंगे हम। सामने एक अपने को एक ब्रिज दिखेगा गाड़ियों का, ये ब्रिज जाता है सामने से इब्राहिम खलील रोड पे। इब्राहिम खलील रोड के नीचे वाली ब्रिज है ये, और इंशाल्लाह इब्राहिम खलील रोड की ब्रिज और उसके नीचे से जो रास्ता जाता है इब्राहिम खलील रोड का, उसका और कबूतर चौक का एक खूबसूरत मंजर दिखाएंगे इंशाल्लाह। एंड तक वीडियो देखिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इंशाल्लाह। इसी तरह हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे आपको। दोस्तों, अब हम आ गए हैं ब्रिज के पास। इस ब्रिज के नीचे से रास्ता जाएगा क्योंकि शारा इब्राहिम खलील के नाम से फेमस है। और ये एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ से एक एक्सीलेटर है, सीढ़ियाँ हैं और ये रास्ता जो अपने जा रहा है हरम की तरफ। ठीक है, सामने हरम और ये एक्सीलेटर। अब दोस्तों, हम एक चीज़ देखेंगे वहाँ से जो अपने को दिख रहा था कि WC, वहाँ से दिख रहा है 6 नंबर। इसी तरह से यहाँ से भी अपने को 6 नंबर WC आगे दिख रहा है अपना। ये सीढ़ियाँ हैं, साइड में एक्सीलेटर है और यहाँ से हमको जाना है। जो जो हदूद जो दिखाई जाती है तो यही हदूद से दिखाया जाता है कि यहाँ से अपने को 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर जो कहा जाता है होटल 300 मीटर है, 400 मीटर से है, 500 मीटर से है, वो ये यही लिमिट से यहीं से दिखाया जाता है। और ये जो सामने दिख रहा है हमको ब्रिज, इंशाल्लाह आगे हम दिखाएंगे तुमको। ये जबले उमर वाली बिल्डिंग है, जबले उमर वाली बिल्डिंग यहाँ से ख़त्म। ये जबले उमर वाली एक जैसी बिल्डिंग है, तकरीबन 7 बिल्डिंग होती है एक जैसी। इसके बाद में इस साइड में जो कहा जाता है यहाँ से शुरू हो गया अपने कबूतर चौक। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने कबूतर हैं यहाँ पे, जिसकी कोई तादाद नहीं, जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। देख सकते हैं आप, जहाँ देखते हैं वहाँ पे आप जो है ना कबूतर है माशाल्लाह। ये ओपन स्पेस जो है पूरा यहाँ से वहाँ तक का जो ओपन स्पेस है, जो छोटे छोटे यहाँ पे टेंट है, ये जो ओपन स्पेस है ये पूरा ओपन स्पेस कबूतर चौक कहलाता है। इसके पास से दोस्तों शुरू है यहाँ से होटलें जबरे उमर के बाद। ये होटलें हैं, होटल अल गाली पहली होटल जबले उमर के बाद की, जो कि बहुत छोटी होटल है। ये होटल है होटल अल गाली, सबसे छोटी होटल, पहली होटल। उसके बाद में होटल है एमआर अल सुल्तान होटल। फिर उसके बाजू में है लोलुत अल फलाह होटल, उसके बिल्कुल बाजू वाली ये बिल्डिंग है सामने से। फिर अल ओलियान अल हरम होटल बिल्कुल इसके बाजू में, ये होटल अल ओलियान। और इसके अपोजिट साइड में ये कबूतर चौक और ये क्लॉक टावर इस साइड में।
दोस्तों वीडियो थोड़ी काफ़ी बड़ी होगी रेगुलर के हिसाब से, तो इसका बेनिफिट ये भी रहेगा बड़ी वीडियो देखने का कि इसमें इब्राहिम खलील रोड की पूरी होटलें दिखाएंगे हम, और इंशाल्लाह मालूमात भी देंगे होटलों के ताल्लुक से। दोस्तों अब फ़िलहाल ये होटलें पूरी हज की तैयारी पे चली गई हैं। ये तारा अल खलील होटल, होटल तारा अल खलील, ये अरीज अल फलाह उसके बाजू वाली, ये जो पुराना एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको अरीज अल फलाह, और ये नया कंस्ट्रक्शन जो दिख रहा है तारा अल खलील, उसके बाजू वाली ये छोटी होटल है, फिर उसके बाजू है तरावत अल दियाफा, तरावत अल दियाफा होटल, ठीक है। फिर उसके बाजू में आता है नॉर्थल अल शम्स, नॉर्थल अल शम्स एक ब्रांड है जिसके कई होटलें हैं ये रोड पे, इब्राहिम खलील रोड पे। उसके बाजू होटल है एक बड़ी होटल, ये नॉर्थल अल शम्स है, उसके बाजू में मारसा अल जारिया होटल, फिर अल मिस्री पैलेस बिल्कुल उसके बाजू में, एक नया नाम आया गया है ये होटल का, होटल अल फौजिया करीम। उसके बाजू में मिसफला होटल, ये होटल जवाहरतल कुमुज, ये वाली होटल, फिर नॉर्थल अल शम्स टू, हमने पीछे देखा है नॉर्थल अल शम्स वन, अब इसकी आ रही है नॉर्थल अल शम्स टू। उसके बाजू में जवाहरतल अल नोवेर, ये एक छोटी होटल है अल नोवेर, और ये पे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, यहाँ तक का जो एरिया आता है इसको कबूतर चौक कहा जाता है, यहाँ तक का जो एरिया है। दोस्तों ये है मोहम्मद अब्दुल्ला गम्मास होटल, और ये साइड आ गया अपना कबूतर चौक का एरिया, सामने एक ब्लॉक टावर है माशाल्लाह। ये एम आर एंडोलस होटल, बड़ी फेमस होटल है, काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा एंडोलस होटल का स्ट्रक्चर, इसकी पहचान। फिर मातरल दिफा होटल, मातर दिफा होटल इसके बाजू, और इस साइड में जो होटल हैं इसके अपोजिट साइड में अभी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है दोस्तों, ये जादवा अल खलील होटल इस साइड का, जो ये कंस्ट्रक्शन अभी नया नया फ्रेश है, अब ये जिलहज्जा में हजियों के लिए अवेलेबल रहेगी। अरीज अल वफा होटल, ये होटलें दोस्तों मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल जिलहज्जा में, ये सिर्फ हाजियों के लिए अवेलेबल है जो कि टूर से आने वाले हैं, और जो हज कमेटी से आने वाले लोग हैं उनके लिए अजीज दिया है ये अरीज अल वफा होटल। इसके बाद इसके बाजू में जो नॉर्थल अल शम्स थ्री, ये नॉर्थल अल शम्स जिसे जो हमने देखा है नॉर्थल अल शम्स, ये थ्री होटल इसकी तीन नंबर होटल, फिर इसके बाजू में है अल ताज अल राकी होटल, अल ताज पहले अलग नाम था, इस साल इसका नाम चेंज हुआ है अल ताज अल राकी। उसके बाजू में अलमासा, ये वाला होटल अलमासा, ये वाली बिल्डिंग अलमासा की। इसी तरह इस साइड से जो होटलें हैं इब्राहिम खलील रोड पे ही है दोस्तों हम लोग, अल फंदुक अक सिकाया, सिकायत अल बैत, अल सिकायत अल बैत ये होटल। ये अहमदत अल जहाब होटल, फिर इसके बाजू में ये एक होटल फेमस है रवाइल हुदा, उससे पहले अल बलवात अलबा, ये एक होटल है अल मोहसन होटल, ये रवाइल हुदा होटल आ रही है। इसके अपोजिट साइड में अल वाहदा होटल, फिर इसके बाजू वाली होटल है एम आर अल खलील होटल इस साइड, अभी इसमें रमज़ान के फ़िलहाल हाजी है, ये सोमवार के जो ग्रुप आए हुए हैं वो हाजी है,
और अल ओलियन गोल्डन, ये अल ओलियन गोल्डन, ये कांच वाली बिल्डिंग पूरी सही है। ये तौहीद अल असला होटल। दोस्तों ये जो रास्ता दिख रहा है, ये रवायल हुदा से जो जाने वाला जो रास्ता दिख रहा है, जिसमें हम सामने देख सकते हैं, इसमें एक पाकिस्तानी होटल का जो नाम आ रहा है इसके पीछे, ये अल राशिद गली कहा जाता है इसको, मिसफला वाली गली, जिसके अंदर हम देख सकते हैं फजर अल बदी फाई की ब्रांच भी अंदर ही है। ये फजर अल बदी फाई की जूम करके दिखाते हैं इंशाल्लाह दोस्तों हम लोग, ये फजर अल बदी फाई, ये सामने वाली फजर अल बदी फाई ये बिल्डिंग है। अल राशिद के होटल है, रोशद अल खलील है, अल राशिद होटल है, फिर मस्जिद अल राशिद है, ये होटल अंदर है इसी गली में, जो कि फेमस गली है ये भी। इसको अंदर से गने वाली गली भी कहा जाता है, गने वाली गली, याद रहे दोस्तों गने वाली गली। ये अल तौहीद अल असलान होगा। इससे सामने जो होटल है अल ओलियन अल खलील होटल, ओलियन खलील होटल, ये ओलियन अल खलील होटल रहा। फिर इसके सामने दोस्तों ये हमको बोर्ड नज़र आ रहे हैं, बोर्ड के बिल्कुल पीछे, बोर्ड के पीछे हमको नज़र आ रहा है एक ब्रिज, जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हुई नज़र आ रही हैं हमको। ये इब्राहिम खलील की कुबरी कहा जाता है, कुबरी कहते हैं ब्रिज को, अरबी में इसे कुबरी कहते हैं, वो एक्चुअली ब्रिज को कुबरी कहा जाता है, फ्लाई ओवर जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो भी इब्राहिम खलील रोड की वीडियो या देखते हैं या कुछ होटलों की जैसे मालूमत लेते हैं, तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज मिले। ये बायसन गोल्डन होटल, पुरानी हो गई होटल, इसके बाद में स्वीज़ अल खलील, ये एक बहुत फेमस होटल है स्वीज़ अल खलील, इस रोड की स्वीज़ अल खलील बहुत बड़ी होटल है, स्वीज़ अल खलील होटलें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। और इस रोड की आगे एक होटल आती है एमर ग्रैंड होटल, वो बहुत बड़ी होटल है इस रोड की। ठीक है, और ये रहा हमारे सामने एमर ग्रैंड, ये एमर ग्रैंड अपोजिट साइड में एक और एक होटल है एमर अल मनार, ये एमर ग्रैंड राउंड वाली बिल्डिंग है, पूरी राउंड बिल्डिंग एमर ग्रैंड होटल, ये है एमर अल मनार होटल, संदूक कहा जाता है होटल को। ये अलमासा होटल, अलमासा अलबदर, इसके बाजू वाली अलमासा अलबदर के बाद में आती है अल ओलियन अल खलील, ये होटलें आती हैं दोस्तों। ये फजर अल बदी जो हमने अंदर देखा है, फजर अल बदी फाइव, ये फजर अल बदी फोर, ये फजर अल बदी फोर, फजर अल बदी फोर के बाजू वाले जो आता है आता है एम आर ग्रैंड होटल, ये होटलें हैं। इसके आगे और एक होटल है फेमस फिलिस्तीन होटल, जो इस साइड में बोर्ड के बिल्कुल पीछे साइड में है फिलिस्तीन होटल, वो बहुत बड़ी होटल है, उसके बाजू बिल्कुल मिली जाती है दोस्तों। तो ये हुआ इब्राहिम खलील रोड का एरिया। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।